कीटो क्या हुआ, सुबह सुबह क्या देख रही हो? छोटा डॉगी देखो, छोटा डॉगी, इसके पैर देखो, ऐसे लग रहा है कि खड़ा हुआ नहीं है, बैठा हुआ है। देखो पैर देखो, इतने से ही है उसके, इतनी फुल लेग्स है। अच्छा कीटो, एक मिनट देखे भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हुए है। आगे वाली सिर्फ इतनी सी है। अच्छा माउस, अच्छा माउस, तो आई भी सिर्फ इतने से ही पैर है, इतने से ही। अच्छा माउस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो अब जल्दी से ग्रीन टी एप्पल। ओके डन। रॉगी पाल ले। नहीं नहीं, पाल लेते हैं, बस देखने में अच्छा लगता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, मेंटेनेंस उसकी करनी पड़ती है ना, बहुत ज्यादा। मेंटेनेंस नहीं, कार नहीं है वो, कोई देखभाल केयर करनी पड़ती है। मेंटेनेंस तुम्हारी भी मेंटेनेंस बहुत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं बोलते, अपना फिगर मेंटेन करते हैं, फिटनेस मेंटेन करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मेरी माँ थे, तुम जीत गई। सो गाइस, दिस इज द न्यू लेआउट ऑफ द हाउस। हमने डाइनिंग टेबल इधर कर दी है, अब मेरे को फील हो रहा है एक्चुअल में और स्पेशियस। और ये मेरी प्यारी मम्मी ने मेरे लिए लाउंज एरिया बनाया है, और ये लाउंज एरिया से आप बैठ कर देख सकते हैं कि सब लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, नहीं कर रहे। टीम, हाउ यू गाइस आर डूइंग? ये मेरी शेफो की टीम है, हेड शेफ, सूस शेफ, और बाकी मेरे कहा है टीम मेंबर्स। कोई नहीं आया, इज्जत ही नहीं है भाई मेरी। ढंग से काम करिए यार, सीजन आ गई, बहुत महंगी है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। चल, थैंक यू क्यूटो फॉर ब्रिंगिंग द फूड टू माय न्यू लाउंज। आओ तुम भी बैठो, तुम भी क्या याद रखोगी। और ये क्यूटो की हम लोग डॉल भी चुरा कर लिया है। डॉल, हाँ, ये अच्छी है। जब क्यूटो कोई चुरा लाए तो क्यूटो की डॉल क्या? क्या बात है सर, क्या बात है सर। गुड मॉर्निंग बिल्ली। गाइस व्हाट्स अप? 1 बजे बिल्ली की सुबह हो रही है। मजाक कर रहा हूँ, सुख लेने दो यार। गुड, वेरी गुड। 12 बजे सो, और आइसक्रीम रोज खाओ मायके में, बिरयानी रोज खाओ, ठीक है। अब आई उस घर में तो अपने भाई की कुछ सेवा करो। ये तो शेफ है, तुम सू शेफ हो, और तुम क्या हो? चेक कर लेना, खाने में स्पाइसी नहीं होना चाहिए, नमक नॉर्मल हो, तेल तला ना हो ज्यादा, ठीक है, तुम्हारी ड्यूटी है। भाई आप कितना ड्रामा करते हैं। अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, और तुम्हें निकाल दिया जाएगा तुम्हारी जॉब से। भाई 10,000 पाउंड कटेंगे महीने के, 10,000 पाउंड। नहीं नहीं, हमारे एडवांस नहीं होता, सॉरी। पूरे महीने मेहनत करिए, काम करिए। मैं भी ट्राई करूँ मेरा बॉस कैसा है। अब ये लोग भी ट्राई करेंगे हमारा बॉस कैसा है। आजकल वैसे यही हो रहा है, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ हाँ, तुम अभी कैमरे के पीछे सीधी बन रही हो, बाकी तो तुम मेरे को बना के रखती हो गुलाम अपना। अच्छी बात है। कीटो मीठो क्या कर रही है? बस कुछ नहीं, अब तो मैं खाना देने चल रही हूँ, बट मुझे लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। तो गाइस, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद द वीडियो, आई हैव समथिंग वेरी यूजफुल टू शेयर विद यू ऑल, जो कि पीरियड्स की प्रॉब्लम को एकदम खत्म कर देगा। यू नीड टू ट्राई दीज एवरी पीरियड पैंटीज अगर लंबे टाइम तक एंटी लीकेज प्रोटेक्शन चाहिए विदाउट एनी वरीज। दिस इज अ टोटल गेम चेंजर। दिस इज अवेलेबल इन 3 sizes, स्मॉल टू मीडियम, मीडियम टू लार्ज, एंड लार्ज टू एक्स्ट्रा लार्ज। दिस ऑल्सो गिव्स यू 360 degree प्रोटेक्शन, मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल द साइड्स। इट प्रिवेंट्स साइड एंड बैक लीकेज। द ब्लू वेस्ट पैंट हैज टू बी इन द फ्रंट। इट्स कॉटन मटीरियल, soft and comfortable to wear, plus elastic is given near the thigh portion which will prevent any leakage. It also provides 12-hour protection from leakage, so it's perfect for heavy flow, and also कुछ ladies को अपने postpartum के time पर heavy flow होता है, so ये उसे अच्छे से absorb कर लेता है. It has unique Everlock technology and 4 times more absorption capacity as compared to regular sanitary napkins. It's not a pad, it's a panty with a pad, so ये बिल्कुल अपनी जगह से हिलेगा नहीं, and there's no transfer in the tissue paper. Also, these Evereve period panties can be easily disposable. So, ये आपको टेंशन फ्री रखेगा, एंड इट्स बेस्ट फॉर हेवी फ्लो। सो ट्राई दिस पीरियड पैंटीज एंड एंजॉय स्ट्रेस फ्री पीरियड एक्सपीरियंस। आई विल प्रोवाइड अ लिंक फॉर दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो। वाओ, समर्स अ बैक, खीरा जर बैक, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। मिस करा खीरा आपको मैंने बहुत। मम्मा, व्हिच इज योर फेवरेट सैलेड? माय फेवरेट सैलेड भाई प्लेन कैरेट कुकुम्बर, बस जो होता है। सो खाने में आज बना है विद पुलाव। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। दिस कॉम्बिनेशन वाज इन्वेंटेड बाय मी, मतलब मैंने ही सजेस्ट करा था। पहले मम्मी इसके साथ देती थी रोटी, वो एकदम अच्छी नहीं लगती थी, बट चावल के साथ, पुलाव के साथ बहुत बहुत बढ़िया। तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत टेस्टी लगा। यम्मी यार, गाइस डू ट्राई आउट दिस कॉम्बिनेशन, वेरी नाइस। एंड कर्ड भी आप साथ में ले सकते हैं। क्या बात है, राइट ऑन टाइम ब्रो, राइट ऑन टाइम। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्तों क्या लाइक करो, बहुत बढ़िया बैग लाए हो। अरे करो करो करो, अरे करो, ऐसे कैसे नहीं यार, रूल्स आर रूल्स, ऐसे थोड़ी। देखो दामाद की ट्रीटमेंट देखो, VIP ट्रीटमेंट। सो रही है? हाँ, अरे हमने बुलाया उसको भी, सुनाएंगे उसको। इतना बोर हो गई है, सो रही है, वहां कभी सोती नहीं है, सो रही है। तुम्हें डांट डांट के बड़ा थक गई थी, तो रेस्ट कर रही है।
60 से ज्यादा है, मेरी छुट्टियां अच्छी निकली है। मैं अकेला कितना एंजॉय कर रहा था ना। ब्लॉग देखेगी आला। आ गई चिड़ू चढ़ू मल सड़ू मल सॉरी मैंने पता क्या बोला, मैंने बोला बोरिंग हो गई है ये, सो रही है वहां कितना एंटरटेनमेंट रहता है लाइफ। और क्या बोला था, और क्या बोला था, रिवाइंड छुट्टियाँ अच्छी निकली है। मैं अकेला कितना एंजॉय कर रहा था ना। कितना तो तुम्हारे लिए कुछ कहा था। ए आई वाली एडिटिंग करूंगा मैं कि तुम्हारे शब्द ही बदल जाएंगे। हाँ मेरी माता श्री आ गई। हंसी इसलिए आ रही कि कैसे दुखड़ा आ रही है प्रतीक को, और बोल रही मोटी होगी मोटी होगी, प्रतीक तो बोलेगा नहीं, तो बोल रही नहीं नहीं बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। वाओ स्टी लेकर आई है होम स्वीट में। होम स्वीट एफ इसका मतलब क्या होता है, ये हाई लेवल अंग्रेजी लिखी है। अरे पता नहीं, अरे नहीं नहीं। थैंक यू क्यूटो। चिन्ना कैसी है चाय? रेसिपी मेरी है वैसे। गुड इवनिंग पापा, लेट्स गेट रेडी फॉर द पार्टी। पार्टी बेटा ठीक है, सच बताऊं कि झूठ बताऊं? चलो सच बताओ। चलो हम तो नहीं ये पापा इज कमिंग। भाई अपनी बिल्ली को जल्दी रेडी कर लो, हम लोग रेडी हैं यार। अरे यार मामू वहाँ वेट कर रहे हैं यार। ये मेरा लुक है, ये माउस लुक है, एंड हम लोग रेडी हो गए। वापस रखने जा रही हूँ, सिर्फ फोटोज, सिर्फ फोटोज के लिए इसने पहनी थी। अब जल्दी से हम लोग बिल्ली का वेट कर रहे हैं, बिल्ली जी आए तो हम लोग निकले। वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर गोना रॉक दिस पार्टी, लेट्स गो। बिल्ली ऑन द फ्लोर, डिजाइनर कपड़े पहन के आई बिल्ली। आप पे गए ना सब? हाँ कंघी कर लो पापा। तो क्या हो गया, आप ऐसे ही स्मार्ट हैं पापा? आखिर बच्चे किसके हो तुम लोग? राइट पापा। दोनों वाइट ने पहना है, कितना अच्छे लग रहे हो। लेट्स गो शो सम पावर। ये ओ मामू, ये मामू मामू। अरे हाँ दारू तो पियेंगे ना मामू, अंदर चलिए यार। माय ऑडियंस इज दारू फ्रेंडली। मामू सलमान मामू व्हाट्सअप कैसे है यार? बहुत बढ़िया। मामी का है, आपको भी तो कभी वेट कराए, आप इतना वेट कराते यार। बस करो यार। अरे हाँ पी कर है। कैसे पता चला? इनको लग रहा है ब्लॉग में दारू दारू बोलेंगे तो पिक्चर नहीं आएगी। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? मामी हेलो। अरे आप चुप क्यों रही हैं? व्हाई आर यू रनिंग? यार मामी आशीर्वाद ही नहीं लेने देती, पैर ही छूने देती यार। अरे नहीं यार क्या बात कर रहे हैं। वो मामू थैंक यू फॉर लवली फूड मामू। आई हैव नॉट मेड दिस फूड, दिस फूड इज ऑल मेड बाय भाभी। ओ मामी, मामी को भी कह, सब घर पे बनाया। ओके वो मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ, बट ये भी बहुत बढ़िया। और ये क्या रोस्टेड मखानी की प्रेजेंटेशन, वाओ यार। एंड ये है कबाब्स मामू, क्या है ये? आफ्टर माय हस्बैंड्स कबाब। प्रतीक कैन रिलेट, प्रतीक कैन रिलेट। नो नो नो, प्रतीक के तो बाइसेप्स बढ़ते हैं तो थोड़ा काट के ना पगा के। मैं कह रहा चाहती हूँ कि मामू विदाउट मैरिज इज वेरी हैप्पी। अच्छा भाई यही होना, ये तो तुम्हें भाई अप्रेजल देंगे। तुम बोलोगे ना कि ऐसे मत बोलो। नहीं मैं क्यों बोलूंगा, मैं क्यों बोलूंगा भाई। यार कभी कभी लगता है प्रतीक के ऐसे के पीछे बहुत दर्द भी छुपा है। गाना सुना है ना वो, खड़ा हूँ आज भी वही वाली रील बनेगी मेरे ऊपर। किस लिए खड़े थे, कि जाने के लिए खड़े थे कि आने के लिए खड़े थे? एक्चुअली एमिटी गया था एंजॉय करने के लिए, मुझे गेम मिल रही और मेरी लाइफ और अच्छी हो गई। अब खड़े हो आप तो आराम से रिलैक्स करो, बैठ जाओ। भाई यहाँ पहुँच गया उसके इसकी वजह से कि मैं वॉट अबाउट यू, आर यू नॉट मैन? सो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पुरानी पिक्चरें। वो मम्मी है, मम्मी नाना नानी और गुरुश मामू में, एंड ये गुरुश मामू लग रहे इमरान हाशमी। नाना है ये नाना नानी है, और ये भी नानी है, एकदम मम्मी की तरह लग रही है ना।
मम्मी और नानी है। वाह यार बहुत बढ़िया पिक्चर है। मम्मी जो मेरी मम्मी थी एक्सट्रीमली टैलेंटेड इन सिंगिंग इन फैशन डांस ब्रॉट अप द फैशन इन द फैमिली बहुत बड़े ठीक है। और जब से उनका बेटा गायब हुआ तब से वो बेचारी वैसी हो गई बट शी वाज अ ट्रेंड सेटर। सो गाइस बेसिकली मेरे चार मामू थे और एक थी मेरी मम्मी बट अभी मेरे तीन मामू। एक जो मेरे मामू थे उनके साथ क्या हुआ था उसकी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दो उसको टाइम हो गया मामू कितना टाइम हो गया होगा मुरली मामू को अराउंड 40 इयर्स हो गई है। वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगा। इमरान हाशमी ऑन द फ्लोर। अरे यार कितने बढ़िया लग रहे मामू यार ये हमारे सबसे फिट मामू परिवार के हैं। ऋषि का नाम था मैं कह रहा हूँ। अच्छा ऋषि गुडविल यूपी की आधी इकॉनमी गिर गई ऋषि जब से गए। ऐसा कुछ भी नहीं था सिंपल सा या तो प्रॉफिट दो आपने अपने चैनल से या तो उसको कुर्सी रोड वापस दे प्रॉफिट दो 100 करोड़। सो गाइज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि कुर्सी रोड क्या है। कुर्सी रोड एक स्टोर है जहाँ पर मैं पहले बैठा करता था प्रगति पे खड़ा भी होता था वहाँ पे पूरा मैनेज करता था। सो क्यूटो इज लाइक कि नहीं आपको मेरे साथ ही रहना है आप वापस स्टोर में नहीं जाएंगे। तुम बोल रही ना मामा चाहते हैं कि मैं स्टोर वापस आऊँ। नहीं तो स्टोर नहीं आ सकते ना वापस हमारे यूट्यूब पर क्या होगा इतनी लड़कियाँ मेरे पीछे है रियली हमको तो नहीं दिखती यार। सबसे ज्यादा क्या है ऋषि क्या है ये सब बोलते हैं कि आई नीड अ हस्बैंड लाइक ऋषि वो और ऋषि कहते हैं भाई मैं बता। और लोग ये भी बोलते हैं कि जो फैंस मुझे मिलते हैं वो कहते हैं हमारे हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो मुझे क्यूटो नहीं बोलते तो मैं कहती हूं तुम भी मुझे बोलो बता है सही बोल रही है। अच्छा आई नीड ऋषि सब तो नीचे लिख दिया करो कंडीशन अप्लाई साइट बंद करेगा कंडीशन मिर्चा नहीं होनी चाहिए खाने में नहीं मतलब बोल आई नीड अ हस्बैंड लाइक ऋषि मतलब ऋषि जैसा ऋषि के वो बता दूंगा ना कंडीशन ऋषि कैसा है भाई कल मेरे फ्रेंड्स आए थे दो तीनों को बुलाया था मैंने एक वहाँ गया था सिडनी से नमक मिलाया उससे तो उससे का हीस हीरा का ध्यान देना। अमित इज मामू सन देखकर लग नहीं रहा है कि इनके दो बेटे हैं बट हैं ये बात तो है दो बड़े बेटे भाई अगर भाई मत बोलना डिफरेंस हो जाएगा ये क्यों डिफरेंस ऐसे ऐसे पापा बच्चा डिफरेंस हो जाएगा तो बना है खाने में बहुत बढ़िया बासमती राइस दाल माखनी एंड पनीर प्रतीक्स फेवरेट जीरो मामी ये जीरो बोल रहा है आपके खाने को जीरो ये क्या दिखा रहे तुम्हें टीचर से जीरो दिए हैं जीरो नहीं है, है वाव ओके क्यूटो ये मामू बोल रहे तुम्हारी शहनशाह वाली ड्रेस है लाइट तुम्हें टैटू क्या बनवाया बताओ जरा बना रही क्या है आप देखो समझ में आएगा पी 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 पिया तो क्यों नहीं लिखवाया यू डोंट लव योर लिखवाती कम से कम क्या होता है पी लिखवाना बड़ा लिखवा यू डोंट लव योर हस्बैंड ओवर यहाँ लिखवा लेती हूँ उसमें पता नहीं क्या लग रहा है नोटबुक है की हैंड है इतना लिखा है बोलते हैं तुम जीरो एफर्ट्स करे इंसान ने उसको जीरो कर दिया है और खुद इस इंसान ने कुछ नहीं किया है ये तो लाइफ गोज ऑन मैं हूँ उसमें इसका लाइफ गोज ऑन कल चली गई तो लाइफ गोज ऑन ये क्या है तुम आ गए इसलिए लाइफ गोज ऑन है नहीं उसके बाद ऐड कराएगा लाइफ गोज ऑन विद और विदाउट यू मेरा हाथ भर चुका है लिखवा लेते तुम नेक के नीचे पट्टा बनवा लो नेक के नीचे काट के और ये लिखा बंद गया पट्टा आइडियाज बन रहे हैं क्यूटो यार लिखा क्यूटो नहीं क्यूटो 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 यार लिखा म्यूटो ये फैसला हो जाए क्यूटो कौन है म्यूटो कौन है नहीं नहीं मानेंगे नहीं इसके फ्रेंड्स के हस्बैंड आए थे सब हाँ। कॉमन फ्रेंड आए थे हाँ। तो वो दोनों बाबू बाबू कर रहे थे हाँ। तो यही पूछे बाबू है कौन दोनों क्यूटो कौन है कौन है वोटिंग होनी चाहिए मुझे गाइस आप लोग कमेंट करो क्यूटो कौन है
क्यूट मुझे लगता है ये म्यूटो तो वो वाइफ के आने के बाद हस्बैंड म्यूट हो सही बोला ये सही बोला कैमरा क्या आ गई ये ना बोलो ये सही है हकीकत में बोलो ये सही है एग्जैक्टली वही है लाइफ भाई इनको भी शादी करानी पड़ेगी जल्दी बता तो दी खुशी क्यों मन रही है क्यूटो अभी रिपोर्ट आई मेरी ऑनलाइन घर में खुशियां सो गाइस आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा थैंक यू मामू एंड मामी वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग एंड हम लोग आपसे जल्दी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एंड क्यूटो आज हम लोग किसको शाउट आउट दे रहे हैं जिस पर्सन का नया वीडियो मिलेंगे वो है पूजा सो शाउट आउट टू यू सो शाउट आउट टू पूजा सो गाइस अगर आप लोग चाहते हैं आपका नया वीडियो भी कॉल आउट हो सो लाइक सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन कमेंट डन एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम बाय